नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर ऑटो हब के एक और फ्रेश वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2022 में आने वाली किया सोनेट का एचटीएक्स वेरिएंट। तो देखते हैं इसमें क्या ऐड ऑन किया है कंपनी ने 2022 में एंड क्या फीचर्स इसमें नए प्रोवाइड करे गए हैं एंड एचटीएक्स वेरिएंट से आपको क्या नए फीचर्स मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो सामने की साइड आप देख सकते हैं आपको मिल जाती है टाइगर नोज ग्रिल विद क्रोम लाइनिंग के साथ एंड ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में इसकी ग्रिल दी गई है। नीचे आपको देखने को मिल जाएगी स्किड प्लेट सिल्वर कलर की, जो कि बहुत ही गजब लुक प्रोवाइड कर दी है कार को बाकी सारे से कॉम्पिटिटर्स से। एंड साइड में आप देख सकते हैं तो इसमें मिल जाता है आपको फॉग लैम्प प्रोजेक्टर के साथ, जो कि हैलोजन में ही है, विद इसमें क्रोम की गार्निशिंग देखने को मिल जाएगी और जिसका हेडलाइट है वो फुल्ली LED सेटअप के साथ आता है। इसमें आपको DRL भी है एंड DRL में ही आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं कुछ कार के साइड की। तो आप देख सकते हैं कार का साइड कितना मस्त लगता है 205 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। वही डायमंड कैटलॉग इसमें प्रोवाइड करे गए हैं 16 इंच की, जिसका टायर सेक्शन है 215/60 और 16 का। क्लैडिंग आपको पूरी गाड़ी में देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करें अगर ORVM की तो ORVM पे आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे एंड वो भी ORVM इसके एडजस्टेबल है एंड फोल्डेबल है इलेक्ट्रॉनिकली। जो इसके डोर हैंडल हैं वो आपको क्रोम फिनिश के साथ प्रोवाइड करे गए हैं। साइड से आप देखेंगे तो इसका बैक प्रोफाइल आपको थोड़ा लो फील होगा, क्योंकि इसमें जो है हाइट इसके थोड़ी ऊपर से कम करी गई है ताकि बहुत अच्छा फ्लो रहे एयर का। एंड ऊपर की साइड में आपको इसमें मिल जाती हैं रूफ रेल्स, जो कि बहुत ही अच्छा लुक एंड स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करती है कार को। बात करें इसके बैक प्रोफाइल की तो आप देख सकते हैं इसमें फुल LED सेटअप के साथ इसके टेल लाइट्स आती हैं। वहीं ऊपर की साइड में आपको सर्फिंग एंटीना देखने को मिल जाएगा एंड इसमें आपको कोई रियर वाइपर नहीं आता है, डिफॉगर इसमें प्रोवाइड करा जाता है इस वेरिएंट में। बाकी नीचे साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। भाई स्किड प्लेट जो है उसमें जो फेक डिफ्यूजर्स है वो बहुत ही अच्छे लुक प्रोवाइड करती हैं कार को। किया के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा, जो कि DRVM फंक्शन के साथ प्रोवाइड करा गया है कार में। डिफ्यूजर जो है इसके वो बहुत ही मस्त लुक प्रोवाइड करते हैं कार को, काफ़ी स्पोर्टी लुक इसको बना देते हैं कार को। तो चलिए बात करते हैं इसके कुछ इन बूट स्पेस की। तो इसमें आपको मिलता है 390 लीटर्स का मैसिव बूट स्पेस, जो कि इसके सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। ऊपर साइड में आपको पार्सल ट्रे देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप थोड़ा बहुत लगेज कैरी कर सकते हैं। बाकी इसकी बूटिंग लिमिट इतनी हाई नहीं है कि आपको सामान कैरी करने में थोड़ी दिक्कत हो। बाकी इसमें नीचे जो टायर मिलता है स्पेयर टायर वो आपको मिलता है 195/60 R15 का स्टील रिम टायर से प्रोवाइड किया गया है। तो थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग इसमें किया वालों ने की है। बाकी इसमें नीचे आपको सारी इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं जब आपकी कार पंचर हो जाए तो उसको चेंज करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं अब इसके आगे की। बात करते हैं इसके फ्रंट डोर की। तो इसमें आपको मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर साइड पे, आप इसको क्लिक करके ड्राइवर के अंदर इंटर कर सकते हैं। एंड इसका फ्रंट डोर आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है डुअल टोन कलर में। एंड जो इसका इंटीरियर है वो आप भी देख सकते हैं कि इंटीरियर कितना खूबसूरत लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स कार। ये बहुत ही अच्छा लुक प्रोवाइड करता है कार को। तो बात करें इसके कंट्रोल्स की तो आपको इसमें 4 पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाते हैं। डोर लॉक अनलॉक के लिए कंट्रोल मिल जाता है एंड ORVM एडजस्ट एंड फोल्ड करने के लिए कंट्रोल्स प्रोवाइड करे गए हैं। साथ में डोर पर आपको ट्विटर्स भी मिल जाते हैं, स्पीकर भी मिल जाता है। हाइट एडजस्ट करने के लिए आपको लेवर दे रखा है, केवल ड्राइवर साइड सीट ही केवल हाइट एडजस्टेबल होती है बाकी नहीं होती है। तो चलिए बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो आप इसके इंटीरियर देख सकते हैं कितना अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। स्टीयरिंग आपको डीकर में मिलता है, स्टीयरिंग इसमें आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक का फंक्शन इसमें नहीं आता है। बाकी आप देख सकते हैं स्टीयरिंग का ओवरऑल डिज़ाइन कितना मस्त लुक प्रोवाइड करता है कार को। इसमें आपको राइट साइड में मिल जाते हैं क्रूज कंट्रोल और MID के कंट्रोल, जो कि आप बहुत अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं इसकी MID को। इसकी MID पे आपको मिल जाती है फ्यूल कंजम्पशन की, एवरेज की, TPMS मतलब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का भी फीचर ऐसा स्टैंडर्ड इसमें प्रोवाइड कर दिया गया है। बाकी इसमें ट्रिप एंड आपको मिल जाएगा इसमें ड्राइवर की इंफॉर्मेशन और फुल आपको मिल जाता है सर्विस इंटरवल की इंफॉर्मेशन भी आपको इसमें प्रोवाइड करी गई है। लेफ्ट साइड में आपको मिल जाते हैं इसमें म्यूजिक कंट्रोल्स एंड वॉइस कमांड के जरिए आप इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम मैनेज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपको इसमें मिल जाते हैं इसके वाइपर से कंट्रोल एंड राइट साइड में आप देख सकते हैं तो इसमें आपको मिल जाते हैं हेडलाइट्स के कंट्रोल। हेडलाइट्स के ऑटो हैं, ऑटो फंक्शन के साथ इसमें प्रोवाइड करे गए हैं। बाकी बात करते हैं अब इसके कुछ इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो आपको इसमें मिल जाता है 20.25 सेंटीमीटर्स का लार्ज इंफोटेनमेंट सिस्टम विद बटन्स फ्रॉम ऑन द बोर्ड साइड लेफ्ट एंड राइट साइड। आप इसमें देख सकते हैं DRM का फंक्शन इसमें दिया गया है। बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपको इसमें कई सारी मिल जाती हैं कार से रिलेटेड, साउंड सिस्टम से रिलेटेड। इसमें आपको मिलता है आर्किमिडीज का म्यूजिक सिस्टम विद 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स। बाकी आप नीचे देख लेते हैं तो इसमें आपको मिल जाते हैं वर्टिकल में AC वेंट्स विद सिल्वर लाइनिंग एंड जो इसका AC है वो बहुत ही बढ़िया वर्क करता है, फुली ऑटोमेटिक AC है। स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी, बाकी 12 वोल्ट पावर सॉकेट एंड एक फास्ट चार्जिंग के लिए USB सॉकेट दे रखा है। एक USB सॉकेट दे रखा है जिससे आप कार में इंफोटेनमेंट सिस्टम में गाने वाने सुन सकते हैं। बाकी बात करें इसके गियर नॉब की तो आप देख सकते हैं इसमें आपको मिलता है सिल्वर कलर का गियर नॉब। उसके बाद आपको मिल जाते हैं 2 कप होल्डर एंड जो इसका हैंड रेस्ट है उसमें नीचे आपको कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी।
IRVM में आपको ऑटो डिमिंग का फंक्शन नहीं प्रोवाइड किया गया है कार में। ऊपर आपको मिल जाता है इसमें सनग्लास होल्डर एंड उसी के बगल में आपको दो लैंप्स प्रोवाइड करी गई हैं रीडिंग के लिए, एंड सेम ऐसी लैंप आपको पीछे भी कैबिन में प्रोवाइड करी गई हैं बैक पैसेंजर्स के लिए। एंड इसके ऊपर आप देख सकते हैं इसमें आपको सनरूफ भी प्रोवाइड करा गया है, माइक भी प्रोवाइड करा गया है। आप इसके सनरूफ देख सकते हैं खोल की, तो आप ये देखिए डिसेंट साइज का सनरूफ प्रोवाइड करा गया है कार में। कुछ ना मैसिव कोई पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, हालांकि ये जो सनरूफ है ये नई वाली ब्रेजा के मुकाबले थोड़ा कम खुलता है। जो नई वाली ब्रेजा है उसमें जो सनरूफ है वो पूरा खुल जाता है, इसमें उतना नहीं खुल पाता है। तो इसमें बस ऐसा शोपीस के लिए दे रखा है, हमें तो बस यही लगता है, बाकी इसमें कोई प्रॉपर यूज़ नहीं है। चलिए बात करते हैं इसके और कुछ फीचर्स की। तो इसमें आपको ग्लव बॉक्स जो मिलता है वो कूल नहीं आता है, नॉर्मल सा डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। इसमें आपको एज अ स्टैंडर्ड चार एयरबैग मिलते हैं, दो फ्रंट पे एंड दो सीट्स पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड सीट्स पे। तो ये था कुछ इसका सेफ्टी फीचर जो इन्होंने एज अ स्टैंडर्ड कर रखा है ABS/ABD के साथ। चलिए देखते हैं बैक पैसेंजर्स के लिए किया ने क्या प्रोवाइड किया है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं जो इसका ग्लास साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, जो कि बहुत ही एयरी फील कराता है कैबिन में बैठ के। इसमें आपको लेदर की स्टिचिंग देखने को मिल जाएगी, प्लस इसमें आपको कर्टन्स भी मिल जाते हैं जो कि आपको सनरेज से काफ़ी हद तक बचाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर एड ऑन हुआ है किया की तरफ से। तो चलिए इसमें नीचे आप देख सकते हैं तो आपको 1 लीटर की बॉटल होल्डर की स्पेस दिख जाती है एंड वही कुछ नॉर्मल सी स्पेस। तो अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं सीट पे, इसकी सीट की कुशनिंग बहुत ही अच्छी है। बात करें अब इसमें तो आपको इसमें सेंटर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है विद 2 कप होल्डर्स, तो सीट जो है आपको बहुत ही कंफर्ट फील कराएगी। 60-40 स्प्लिट के साथ ये सीट नहीं आती है, केवल बेंच फोल्डिंग के साथ आती है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट भी इसमें प्रोवाइड करेगी है, जिसमें आप अपने बच्चे को छोटे बच्चे को आराम से कैरी कर सकते हैं। 2 AC vent पीछे आपको प्रोवाइड करे गए हैं विद सिल्वर लाइनिंग, क्योंकि बहुत अच्छी एयर पास करते हैं। साथ में नीचे आपको पावर सॉकेट मिल जाता है जिससे आप फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं अपने मोबाइल की। तो ये था हमारे रिव्यू किया सोनेट की STX मॉडल को लेके। इसके प्राइसिंग एंड इंजन की स्पेक्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप देख सकते हैं एंड अपने हिसाब से आप इसको परचेज कर सकते हैं। लखनऊ में इसका शोरूम पड़ता है निवान बालाजी ऑटोमोबाइल्स, जो कि पड़ता है चिन्हट में विजयंत खंड में। तो आप यहाँ पर आके इसको परचेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।